हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू ज्ञान गंगा क्लासेस। यहाँ हम लाकर लाते हैं इजी एक्सप्लेनिंग वीडियोस, डिफरेंट वर्किंग एक्टिविटीज, क्वेश्चन आंसर्स। तो आज हम लेके आए हैं क्लास सिक्स साइंस का चैप्टर 8, गेटिंग टू नो प्लांट्स, इसकी रिवीजन, एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि आज हम क्या कवर करेंगे। कीवर्ड्स, समरी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं कि कीवर्ड्स हमारे इस चैप्टर के क्या क्या थे। अगर आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाकर देखिए। उसमें हमने इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन, एवरी पॉइंट्स क्लियर किए हैं। तो आप वहाँ पर इस लिंक पे जा कर के, ये जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा उस पे भी जाकर आप देख सकते हैं। चलिए लेट अस सी द कीवर्ड्स। हर्ब्स हमने पढ़े थे। व्हाट आर हर्ब्स? प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। ये क्या होते हैं? जिनकी ग्रीन और टेंडर स्टेम होती है और दे आर ऑल्सो शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। इनकी ब्रांचेस नहीं होती हैं, इनकी ये शॉर्ट होते हैं। यही सब पढ़ा था हमने। व्हाट आर श्रब्स? प्लांट्स दैट डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम, वुडी ब्रांचेस। द स्टेम इज नॉट हार्ड बट द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, दे आर श्रब्स। नाउ व्हाट आर ट्रीज? द टॉल प्लांट्स दैट आर टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। क्लियर है फ्रेंड्स? क्रीपर्स plants with weak stem that cannot stand upright but spread on the ground, they are creepers. climbers plants with weak stem and take support and climb up are called climbers. हमने इन सब के examples पढ़े थे, आप इनके examples दे सकते हो भी। herbs yes, mint, coriander, shrubs, rose, hibiscus, trees, mango tree, banyan tree, clear, creepers, watermelon, और कोई? चलिए कोई बात नहीं। climbers, money plant, peas, good। चलिए अब अगले हमने और कुछ कीवर्ड से हमने जो पढ़े थे, टैप रूट। ये क्या है? द मेन रूट ऑफ प्लांट इज द टैप रूट। कौन से सिस्टम में आती है? रूट सिस्टम में। लैटरल रूट, अदर स्मॉलर रूट अटैच टू द मेन रूट इज द लैटरल रूट। उसको हम टैप रूट में, ये हमारा मेन रूट होता है और दूसरा होता है लैटरल रूट जो उसके ब्रांचेस होती हैं। फाइबरस रूट, रूट्स दैट डू नॉट हैव एनी मेन रूट, दे आर द ग्रुप ऑफ इक्वल साइज ब्रांचेस ऑफ द रूट, देर इज नॉट एनी मेन रूट, then that root system is fibrous root, that type of root is fibrous root. petiole, the part of leaf by which it is attached to the stem is called petiole. the petiole ko kya hua? the part of leaf by which leaf is attached to the stem is petiole. lamina, the broad green part of leaf is the lamina. वेन्स, आप फ्रेंड्स नोट करते जाओ ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी रहे। वेन्स, द लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। मिड रिब, द प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ, दैट द बिग वन विच इज़ वेरी वेरी लाइक गिवन, विच इज़ वेरी हार्ड डन ऑन द लीफ, दैट इज मिड रिब। वॉट इज मिड रिब? द प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ लीफ। venation, the design or pattern made by veins in a leaf is called leaf venation. reticulate venation, if it is net like on both the side of midrib by the veins of leaf, it is, the venation is reticulate. and parallel venation, if the veins are parallel to one another on both the side of midrib, this pattern is parallel venation. clear reference? और क्या पढ़ा था हमने? ट्रांसपिरेशन,
process through which water comes out of leaves of plant is transpiration. Photosynthesis, the process through which leaves prepare food in the presence of sunlight, chlorophyll and using water, carbon dioxide. तो वो क्या बनाते हैं? Food बनाते हैं उस process को, photosynthesis. Clear है? Petals, prominent parts of an open flower is the petal. Sepals, small leaf-like structures that surround the flower in its bud stage is sepals. ये सब हमने पढ़ा था, आपको धीरे धीरे याद आ रहा होगा. Pistil, the innermost part of flower is called pistil. चलिए, clear है friends, हमने ये सारी keywords पढ़े. Ovules, small bead-like structure inside the ovary is ovules. चलिए, अब हम इसको अपनी chapter को summarize करते हैं. हमारे इसके notes क्या क्या बनेंगे? Tea plants are usually grouped as herb, shrub, tree based on the height of their body, nature of their stem and branches. और क्या क्या बनते हैं stem और इस पे? Climbers and creepers. Then the stems have leaves, flowers, fruits. Leaf usually has petiole and lamina. The pattern of the veins on the leaf is called venation. It can be reticulate or parallel. Leaves give out water vapor through the process of transpiration. Green leaves make their food by the process of photosynthesis using carbon dioxide and water in the presence of sunlight. Food absorb water and mineral from soil. They also anchor the plant firmly in the soil. Roots ka kya use tha? Ye padha tha functions unka humne. Roots are the mainly two types, tap root and fibrous root. Ye bhi padha tha friends. Plants having leaves with reticulate venation have tap root, while plants having leaves with parallel venation are the fibrous root. Yaad rakhiyega. Jiski रेटिकुलेट वेनेशन होती है उनके रूट्स टैप रूट होती हैं, जिनकी पैरेलल वेनेशन होती है उनकी फाइबरस रूट्स होती है. तो वी कैन सी द लीव्स और हम उसके रूट्स बता सकते हैं. द स्टेम कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट. क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, द प्लांट पार्ट ऑफ फ्लावर आर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस, पिस्टल. चलिए, अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन पर. करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इनको हमको करेक्ट करना है. देखिए क्या क्या गलती है, क्या करेक्ट कर सकते हैं. स्टेम ऑब्जॉर्व द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल. इसमें क्या होगा, क्या स्टेम ये काम करती है? नहीं. रूट्स एब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट. इज इट ट्रू? नहीं, ट्रू तो है ही नहीं. इसमें क्या गलती है? लीव्स बता रहा है. क्या ये लीव ये काम करती है? इज द फंक्शन ऑफ लीव? नहीं. स्टेम होल्ड द प्लांट अप राइट. रूट्स कंडक्ट वाटर टू लीव्स. इज इट सो? याद करके बताओ. नहीं. स्टेम कंडक्ट वाटर टू लीव्स. द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमेंस इन फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल. The number of petals and stamens in flower may not always be equal. हमने कभी देखा है कि like inside जो उनके होते हैं stamens, वो और जो उनकी petals होती है वो एक number की होती है? नहीं, वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. If the petal of a flower are joined together, petals are joined together. Is it same? नहीं. If the sepals are joined together, petals are separate. ये होता है, inverse होता है. हमने यही पढ़ा था. Sepals अगर joined हैं, तो petals अलग होंगे. और petals अगर joined हैं, तो sepals अलग होंगे. If the petal of a flower are joined together, then pistil is joined to the petal. If a petal of a flower is joined together, then the pistil may or may not be joined to the petal. Clear है friends? चलिए. अब हम देखते हैं कुछ हमारे इम्पोर्टेंट डायग्राम्स. हमने क्या पहला डायग्राम पढ़ा था? द पार्ट ऑफ प्लांट.
प्लांट्स के हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे. ये क्या था? द सिस्टम, द पार्ट्स दैट इज बिलो द सॉयल इज रूट सिस्टम. यही है ना फ्रेंड्स, इट इज रूट सिस्टम. एंड द पार्ट अबव द सॉयल इज द शूट सिस्टम. देखो ये अच्छे से बना करके इसके लेबलिंग आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है फ्रेंड्स. इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल. अब आते हैं पार्ट पे. दिस इज बड, दिस इज दिस पार्ट इज नोड एंड द गैप इन बिटवीन इज इंटर नोड. क्लियर है? देन अब आ गया हमारा ये लीफ है, ये स्टेम है. ये हमारे फ्रूट्स हैं. दिस इज फ्लावर, दीज आर बर्ड्स. बर्ड्स दीज आर फ्रूट्स, दीज आर बर्ड्स. क्लियर है फ्रेंड? हमने जो सब अभी पढ़ा था उसके हिसाब से हमारा पार्ट ऑफ प्लांट का डायग्राम. फिर हमने लीफ का एक डायग्राम पढ़ा था, पार्ट ऑफ लीफ का. तो ये क्या है? वी हैव इट हियर. ये स्टेम है पेड़ की, तो हम ऐसे बनाएंगे. दिस इज स्टेम, देन देयर इज दिस, देन देयर इज अ लीफ. ये होगी. और फिर हमारी लेबलिंग कैसे होगी? दिस इज स्टेम, जैसे यहाँ पे दिया है. दिस इज दिस स्मॉल पार्ट इज पेटियोल एंड दिस वन इज लैमिना. और इसमें आप और भी कर सकते हो कि जब ये then this is mid rib and these are veins. यही पढ़े थे ना हम full diagram, full part of leaf का. चलिए अभी mid rib और veins जो हमने भी वहाँ पढ़ा वही यहाँ पे है. ये mid rib और ये veins है. ये कब होगा? जब leaf venation आपको बोल रहा होगा तो भी आप ये चीज़ दिखाओगे. और ये फर्स्ट डायग्राम जिसमें इट इज गोइंग लाइक दिस, इट इज द रेटिकुलेट वेनेशन. एंड दिस वन वेयर इट ऑल आर द पैरेलल टू द मिड रिब लाइक दिस, इट इज पैरेलल वेनेशन. क्लियर है? रूट्स ऑफ प्लांट में भी हमने एक डायग्राम पढ़ा था कि दिस इज दी, ये कौन सी रूट है बताओ जल्दी. एंड द सेकेंड वन कौन सी है कमेंट करो. वॉट आर द रूट आर दीज? Yes, first one is tap root. The second one is fibrous root. इसमें कौन सी लीफ की वेनेशन होगी? Reticulate. और इसमें कौन सी वेनेशन होगी? Parallel. याद रहेगा फ्रेंड्स? चलिए आगे देखते हैं. तब हमने पढ़ा था बर्ड्स और फ्लावर के बारे में, जिसमें ही कौन सी, ये जो ग्रीन पार्ट है दोनों में, यहाँ पे भी देखो पीछे वो रहता है, ये पूरा फूल खिल जाता है तो भी पीछे ये रहता है. तो ये क्या है आपका? सेपल्स. और इनसाइड दीज आर, ये जब फुल ग्रोन हो गई, ये जब इनसाइड थी तो भी क्या थी? पेटल थी. दीज आर सेपल्स, पेटल्स. क्लियर है? चलिए बर्ड्स एंड फ्लावर्स. अब इसमें हमने फ्लावर का पार्ट पढ़ा था, पार्ट ऑफ फ्लावर्स. तो यहाँ क्या थे? दीज आर दी पेटल्स, अभी हम पढ़े हैं. दीज आर द सेपल्स. आप ये भी नेम लेबलिंग यहाँ पे करोगे तब आप बताओगे कि दीज आर दी स्टेमेंस एंड द लोअर पार्ट इज पिस्टल, दिस होल पार्ट इज फिलामेंट एंड द टॉप वन. इस पे ये जो बीड्स टाइप चीजें हैं ये क्या है? These are anthers. These long parts are stamens and this is pistil. Clear parts of flower, friends? चलिए अब parts of stem. क्या था? This is filament. हमने अभी पढ़ा था जब stamen पढ़ रहे थे, अब anther बताया था तो वहाँ stamen भी बताएंगे, filament भी. तो this is filament. The lower will be the pistil, जिससे वो petal से attached रहता है. और दिस इज एंथर. क्लियर है? चलिए दिस इज द पार्ट ऑफ पिस्टल, पिस्टल जिससे कि ये प्लांट से कवर हो रहा है, अटैच हो रहा है. यही थी ना पिस्टल? तो पिस्टल में क्या क्या है? इट इज हैविंग द टॉप ओवल इज द स्टिग्मा
दिस, बीच का ये पार्ट इज स्टाइल, देन हेयर इट इज ओवरी। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अब इसी के साथ ही हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। आपको डायग्राम्स क्लियर होंगे, आप अपने कॉपी में बनाइए, उसको अच्छे से लेबल कीजिए, ठीक है? क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कैन यू फाइंड द प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज़ लॉन्ग बट वीक स्टेम? राइट द नेम। आपने ऐसा कोई प्लांट देखा है जिसकी लॉन्ग बट वीक स्टेम होती है? कोई भी हो सकता है। और इसको आप किस कैटेगरी में प्लेस करेंगे? आपका हो सकता है इट कुड बी पीज, इट कुड बी लॉकी गोल्ड, इट कुड बी मनी प्लांट, इट कुड बी वाटरमेलन, बट गोल्ड क्लाइंबर है। तो वैसे ही आपका मनी प्लांट और पीस क्या है? क्लाइंबर्स हैं। वाटरमेलन क्या है? क्रीपर है। तो डिफरेंट कैटेगरी हो जाएगी, क्लियर है? तो वॉट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेम? स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट, इट कंडक्ट्स वाटर टू द लीव्स एंड फूड From the leaves to other plants. ये इसके तीन functions हैं, याद कर लीजिए। It holds the plant upright. ये plant को खड़ा रहने में मदद करता है। It holds the plant upright. It conducts water to leaf and food from leaf to other parts of plant. चलिए, which of the following leaves help reticulate venation? Wheat, tulsi, maize, grass, coriander, china rose. तो हमने क्या पढ़ा था? जिसकी ऐसे नेटवर्क वाली होती है, तो क्या है? तुलसी, चाइना रोज, कोरिएंडर लीव्स, इन सब में क्या है? रेटिकुलेट वेनेशन। तुलसी, चाइना रोज एंड से और कोई है? मेज। दीज हैव द रेटिकुलेट वेनेशन। इफ अ प्लांट हैज फाइबरस रूट, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन इट इज? इट्स लीव्स विल हैव, प्लांट्स विद फाइबरस रूट हैव पैरेलल वेनेशन। क्लियर है फ्रेंड्स? कैसी उनकी लीव्स में अगर कैसा वेनेशन होगा? हमने क्या पढ़ा था? टैप रूट होगा तो क्या होगा? फाइबरस होगा तो क्या होगा? फाइबरस होगा तो पैरेलल। यहाँ पे भी फाइबरस ही पूछा, तो टैप होता तो क्या होता है? आंसर आप कमेंट कीजिए। प्लांट्स हैव फाइबरस रूट्स हैविंग पैरेलल वेनेशन इट्स लीव्स। चलिए, इफ अ प्लांट हैज लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन, वॉट काइंड ऑफ रूट इट विल हैव? अभी अभी आपने कमेंट किया, इट विद द प्लांट विल हैव टैप रूट। क्लियर है? इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर अ प्लांट हैज टैप रूट और फाइबरस रूट बाई लुकिंग एट द इम्प्रेशन ऑफ इट्स लीव ऑन द शीट ऑफ पेपर? देखिए, अभी हम लोगों ने इतनी तरीके से आपसे एक ही टाइप का सवाल किया है, क्लियर है ना इसका कॉन्सेप्ट? इट इज पॉसिबल। What are the plant parts of flowers? अभी हमने flowers के कौन कौन से part पढ़े थे? Sepals, petals, stamen, pistil are the parts of flower. From the following plants, which of them have flowers? अच्छा, इन सब में fruits होते हैं जितने यहाँ दिए हैं? जिसमें जिसमें फ्रूट्स होते हैं उसमें उसमें तो फ्लावर्स होंगे ही। मेज, वीट, चिली, टोमेटो, मैंगो, जामुन, वावा, पोमोग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन, सुगर केन, पोटैटो, ग्राउंडनट। अब बचे ये, तुलसी में आपने फ्लावर्स देखे हैं, यस। ग्रास, ग्रास कुछ कुछ टाइप्स ऑफ ग्रास में भी फ्लावर्स होते हैं। पीपल, शीशम, बनियन, तो उस हिसाब से आप लिखोगे, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए, नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूस फूड, नेम द प्रोसेस। लीव्स प्रोड्यूस फूड फॉर प्लांट विद द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इन विच पार्ट ऑफ फ्लावर
you will find the ovary pistil. Name two plants in which one has joined sepals and other has separate sepals. Joined sepals ke example, dhatura, cotton. Separate sepals ke example, lotus and rose. चलिए इसी के साथ ही हम आ गए अपनी वीडियो के एंड पे. हमने आज सारा कवर किया, द क्वेश्चन आंसर, एवरीथिंग अबाउट द चैप्टर 7, रिवीजन और एक्सरसाइज, और हमने कुछ अच्छे डायग्राम्स भी नोट किए जो कि हमको लेबल करके अच्छे से अपनी कॉपी में बनाने. आई होप आपको ये सेशन मेरे साथ अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने व्यूज़ कमेंट में बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ नया जानने को मिले, नया सीखने को मिले. और ऐसी ही मज़ेदार इंटरैक्टिव लेसन्स, वीडियोस और सिलेबस कवर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए. थैंक यू सो मच.